The last one we have discussed about finding the middle element, and today also we are continuing with the same, just because I want that everyone should have done this. Not only everyone should understand this, but everyone should have implemented it on their systems. So there are two approaches for finding out the middle element in the given linked list. In fact, what we are trying to do, we have been given a linked list, and we have to find the node that lies in the mid. We need to find out the address of the node that lies in the mid. तो हमारे लिए सबसे पहला जो अप्रोच है वो हम क्या करते हैं कि सारी लिंक लिस्ट में जितने नोड्स हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं. ये हमारा पहला अप्रोच है जिसमें कि हम लिंक लिस्ट के नोड्स को काउंट कर लेते हैं. तो काउंट ऑफ नोड के लिए आपने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है. यू जस्ट हैव टू डू दैट, यू हैव टू अप्लाई द सेम लूप और यू कॉल द सेम फंक्शन एंड यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिंक लिस्ट. सो लेट्स से दिस इज द लिंक लिस्ट गिवन टू अस. So this, in case we find out the number of nodes in this linked list, that will return us 6. तो हमें simply क्या करना है कि इस linked list में beginning से traverse करना है और half तक traverse करना है, या half तक reach करके, या half तक पहुंचने के बाद अपने process को stop कर देना है. और उसके बाद जहां पे भी आप पहुंचे हैं उस node का address आप return कर दीजिए. That will be the middle element. Okay? So let's do it. Let us write the algorithm for the same. Let's say there is a p pointer which is at the first node in the linked list. Okay, now let us initialize a counter c as 0, which will be counting the number of the nodes. Okay, then we are going to traverse this linked list. So we are going to traverse this linked list until p is not equal to null. So, हमें क्या करना है, c equals to c plus 1 करना है जिससे कि हम काउंटर को अपडेट कर दें, एंड देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नोड by p equals to p dot next. तो इससे हमें काउंटिंग ऑफ नोड्स पता चल जाएगा. आफ्टर दिस वी हैव वी आर टेकिंग लेट्स से एन i एट 1, एंड लेट्स से वी आर रीस्टार्टिंग अवर ट्रेवर्सल फ्रॉम द फर्स्ट नोड. सो लेट्स टेक अ q. यू कैन टेक p ऑल्सो और यू कैन टेक p एज वेल. पी भी आप ले सकते हैं और क्यू भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें. पी को आप रीस्टार्ट कर लें स्टार्टिंग नोड से. फिर आपको कहां तक ट्रेवर्स करना है, हाफ तक ट्रेवर्स करना है. सो वाइल आई इज लेस देन काउंट बाई टू, जैसे आप काउंट बाई टू से काउंट बाई टू के इक्वल पहुंचेंगे अपने प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है. कुछ नहीं करना आपको, आपको नेक्स्ट नोड पे चले जाना है क्यू इक्वल्स टू क्यू डॉट नेक्स्ट से, और i equals to i plus 1 करना है. इस तरह से आप हाफ ऑफ द नोड्स पे पहुंचेंगे और अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. ये जो सेकंड वाला लूप है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, देखिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. हमारे पास i की इनिशियल वैल्यू 1 है और काउंट की वैल्यू 6 है. काउंट बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी. सो ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 3. तो चूंकि 1 इज लेस देन 3 है इसलिए q जो फर्स्ट नोड पे था अब हम उसको सेकेंड नोड पे मूव करा दे रहे हैं और i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं 2 पे. Now 2 is again less than 3. So हम क्या करते हैं कि Q को अपडेट कर देते हैं 2 से थर्ड नोड पे, सेकेंड से थर्ड नोड पे, और I की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं 3. Now this 3 is not less than 3. 3 equal to 3 हो गया. तो अपने प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं. आप देखिए कि जब जब हम प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं तो my Q is at the middle node. 6 नोड हमारे पास टोटल थे, थर्ड नोड हमारे लिए मिडिल नोड होगा. और आप जैसे ही सेकेंड वाला लूप फिनिश करेंगे you can return the address of node q. Okay, so in the first loop what we are doing, we are finding the number of element in the first while loop. In the second while loop what we are doing, we are reaching to the middle element by traversal, and we are traversing up to half of the nodes only, and finally we are returning the address of the node. Kitne logo ko ye baat samajh mein aayi jo maine abhi yahan pe bataya? In fact you already have done it. Algorithm की समझने के लिए let us first see that what are the statements here. सबसे पहले एक हमने p equals to start लिया होगा, तो एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया काउंटर c is equals to 0, i is equals to 1 and q equals to start. So these are the four statements that we are taking. And then the first while loop is traversing
टिल द एंड ऑफ द रिलिंग लिस्ट. सो ये n टाइम ट्रेवर्सल कर रहा होगा अगर हम n माने कि नंबर ऑफ नोड्स हैं. इस लूप के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि टोटल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट जो होंगे वो 2 × n होंगे. जो नेक्स्ट लूप है वो हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट तक ही ट्रेवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब n बाई 2 तक ये ट्रेवर्स करेगा. और इस लूप के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, सो n बाई 2 × 2 हो गया ये. और लास्ट में हमारे लिए रिटर्न क्यू है, तो एक स्टेटमेंट वो हो गया. इन सबको आप ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू परहैप्स 3n + 5. वी कैन राइट 3n + 5 एज ऑर्डर ऑफ n. Okay, so the time complexity of this algorithm is order of n. Hope you understood this. How this time complexity is coming? I'm again telling you that there are four statements. 1, 2, 3, 4. P equals to start, Q equals to start, C equals to 0, I equals to 1. Then the first while loop, which is finding out the number of nodes in the linked list, is actually running up to n times. And there are two statements inside this loop. So the complexity of this loop will be 2 × n. And then the second while loop is traversing the linked list up to half only. So number of traversal will be n by 2. And there are two statements, q equals to q dot next and I equals to I plus 1. So 2 × n/2 is the execution time of the second while loop. And finally, a return q statement. So 4 + 2n + n/2 × 2 + 1. So this is 3n + 5. Now we can have a better method than the 3n + 5 complexity. So that is the second method. Second method ये कहता है कि हम क्या करते हैं कि linked list को ऐसे traverse करते हैं कि एक fast pointer का use कर लेते हैं कि slow pointer का. So let's say the slow pointer is started at the first node and the fast pointer is starting at the second node. The slow pointer moves one step and the fast pointer moves two steps. So जो slow pointer P है वो एक step move करेगा, 1 से 2 पे आएगा, और जो Q है वो 2 step आगे जाएगा. It reaches from 2 to 4. फिर अगेन हम इसको मूव कराते हैं, P हमारा स्लो पॉइंटर इसलिए एक स्टेप मूव करेगा और Q फास्ट पॉइंटर इसलिए 2 step मूव करेगा. It reaches from 4 to 6. Okay? अगर Q हमारा लास्ट नोड पे पहुंच चुका है तो हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और ये जो P वाला नोड होगा यही हमारा डिजायर्ड नोड होगा, यही हमारा मिडिल नोड होगा. Here we have taken the nodes, here we taken the linked list containing the odd number, even number of the nodes. Let's take a linked list that contains odd number of the nodes. So this is the linked list 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So let's do it again. P starts at the first node, Q starts at the second node. P is a slow pointer, Q is a fast pointer. So P moves 1 step ahead, Q moves 2 steps. P moves 1 step and Q moves 2 steps. P moves 1 step and Q moves 2 steps. In first move, Q reaches to the last node. In the second step, the Q moves to or Q crosses the last node. जो last node है उसका next field null होगा, इसलिए यहाँ पे Q equals to null हो जाएगा. तो जैसे Q equals to null होगा, हम declare कर देंगे कि जहाँ पे भी P पहुँचा है, this is our desired node या यही हमारा middle node है. ओके, सो हमारे पास दो स्टॉपिंग कंडीशन है. एक तो यह है कि क्यू अगर लास्ट नोड पे पहुंच जाए तो भी हम स्टॉप कर देंगे, और अगर क्यू नल हो जाए तो भी हम स्टॉप कर देंगे. सो ये हमारे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है. सो नाउ लेट्स राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस. वी आर स्टार्टिंग पी एट द फर्स्ट नोड एंड देन वी आर स्टार्टिंग क्यू एट द सेकेंड नोड. सो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट. सो क्यू इज स्टार्टिंग एट द सेकेंड नोड. P moves 1 step and Q moves 2 steps. So what is the stopping condition here? If Q is not equal to null, tabhi hum aage move karenge. Aur saath hi saath agar hum last node pe pahunch gaye hain, matlab Q dot next is not equal to null, tabhi hum move karenge. Agar last node pe pahunch gaye to aage move nahi karenge. So if Q is not null and Q dot next is not equal to null, because Q dot next agar null ho jaye to this is the identification that we have reached to the last node. So the slow pointer is moving 1 step ahead, P equals to P dot next, and the fast pointer is moving 2 steps, so Q equals to Q dot next dot next. So it is moving 2 steps. Finally, wherever P has reached, that will be our middle node. So we will be returning that node. So this is the algorithm for finding the middle element using the fast and the slow pointer.
So what is happening here that we have been given the address of the first node, and this by this algorithm we are returning the address of the middle node. Now let us analyze this and just see that how much time it is taking. So p equals to start is the first statement, q equals to start dot next is the second statement, return p is the third statement. And what about this loop? How many times this loop will be executing? Can you please let me know how many executions will be done for this statement or this loop? Sir, n by 2. N by 2, yes. Why n by 2? Sir, do us kar raha na wo. हाँ, आप देखिए कि जितने स्टेप्स पी मूव कर रहा होगा वही एक्चुअली जो है एग्जीक्यूशन ऑफ लूप होगा. तो हमारा हाफ टाइम ही केवल ये मूव कर रहा है. सो इट इज वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप विल बी एन बाई टू. ओके, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस विल बी एन बाई टू. सो एन बाई टू टाइम्स हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है. एंड देन उसके बाद फिर टोटल स्टेटमेंट्स इसके अंदर जो है वो टू है. So this will be 2 into n by 2. Okay, हो सकता है कि आपको ये दिख ना रहा हो, थोड़ा सा स्लो मेरे साइड पे हो गया है, but 2 into n by 2 इसका हो गया. So total number of executions कितने हो गए? बताइए आप सभी लोग, कितने statements total हुए? Now the responses have to come from you. That how many total statements are there now? Please let me know. Total statements कितने हुए? N plus 2 plus 1. Okay, n plus 2 plus 1, it means n plus 3 हो गए. केवल अभिषेक को ही समझ में आ रहा है कि और लोगों को भी समझ में आ रहा है ये? Please let me know, केवल अभिषेक को ही समझ में आ रहा है या और लोगों को भी समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so total मैंने n plus 3 हो गया. जो प्रीवियस वाली हमारी जो एल्गोरिथम थी उससे ये बेटर है कि उससे बेटर नहीं है? बेटर है सर. बेटर किस ठीक है. सो हमारा जो स्लो और फास्ट पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेटर है. अब आपको शायद स्क्रीन फिर से शो होगी. सो प्रीवियस वाले जो हमारी एल्गोरिथम थी उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे लग रहे थे वो 3n plus 5 लग रहे थे. और ये देखिए 3n plus 5 एफर्ट लग रहा था इस वाले में. और इस वाले में कितना लग रहा है? इस वाले में कितना लगा? N plus 3. तो 3N plus 5 से तो बेटर ही है N plus 3. ओके? सो इसलिए हम मानेंगे कि हमारी ये एल्गोरिथम बेटर है. अच्छा, इसी का हम यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च के लिए. ठीक है, इसी मिडिल एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च के लिए. आई होप यू मस्ट बी एबल टू सी दिस सर. यस प्लीज. सर मिडिल एलिमेंट वाले में अगर दोनों को हेड पे लेंगे तो सर गलत आंसर आएगा? आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, माने लूप की एग्जिट कंडीशन जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, बाकी चल तो जाएगा ही. ओके, सो नाउ लेट्स से वी हैव टू परफॉर्म द बाइनरी सर्च. फॉर परफॉर्मिंग द बाइनरी सर्च वी हैव बीन गिवन लेट्स से अ लिंक्ड लिस्ट कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, ये बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स गिवन होंगे वो असेंडिंग सीक्वेंस में गिवन होंगे. तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स असेंडिंग सीक्वेंस में गिवन है तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है. हम कम एफर्ट में सर्चिंग कर सकते हैं. सो हमारे पास जो लिंक लिस्ट गिवन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंडिंग सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है. किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें सर्च करना है तो सबसे पहले हमें मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो वी ऑलरेडी हैव एन एल्गोरिथम दैट विल बी फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट. सो अगर हम फर्स्ट टाइम मिडिल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं सो दैट विल बी 4. सो वी हैव द एड्रेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट विद दिस स्टेटमेंट. आई एम अंडरलाइनिंग दिस स्टेटमेंट. जस्ट सी दैट विद द हेल्प ऑफ द मिडिल एलिमेंट एल्गोरिथम वी कैन फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट. आफ्टर दिस वी हैव टू कंपेयर द की वैल्यू विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिल एलिमेंट. इन केस दीज टू हैव अ मैच आई विल रिटर्न अ मिड. Mid is what? Mid is the address of the middle element where my search key is there. लेकिन अगर ये match नहीं होता तो दो possibility है. या तो key हमारा छोटा है middle element से, या तो key हमारा बड़ा है middle element से. In case key is smaller than the middle element, तो हम क्या करेंगे? अपना search half restrict कर देंगे left half में. Just देखिए, मैं encircle कर रहा हूँ. अब अपने left half में search को restrict कर देंगे. ठीक है? मैंने encircle कर दिया left half. जो link list है, उसमें 1 2 3 4 में मुझे search करना है. तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी लिंक लिस्ट को 1 पे स्टार्ट करेंगे और 4 पे फिनिश कर देंगे. 4 पे फिनिश करने के लिए
फोर वाला जो नोड है वो मिड एलिमेंट है, चूंकि ये मिड एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे कि मिड एलिमेंट के नेक्स्ट फील्ड को नल सेट कर देंगे। तो हमने मिड डॉट नेक्स्ट को नल सेट कर दिया, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं स्टेटमेंट को, मिड डॉट नेक्स्ट को हमने नल सेट कर दिया। उसके बाद फिर हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म किया, ठीक है, लेफ्ट हाफ पे हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म किया। लेकिन अगर की इज ग्रेटर देन द मिड डॉट इन्फो, इन दैट केस आई विल बी परफॉर्मिंग द सर्च इन द राइट हाफ। फॉर परफॉर्मिंग द सर्च इन द राइट हाफ, आप देखिए कि राइट हाफ कौन सा है लिंग्ड लिस्ट में, 5, 6, 7, 8 वाला। इसमें 8 का नेक्स्ट फील्ड नल होगा क्योंकि ये लास्ट नोड है। लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा कि ये जो 5 वाला नोड है, इस 5 वाले नोड के नेक्स्ट, सॉरी 5 वाले को हमें स्टार्ट मानना पड़ेगा। ओके, ये जो 5 वाला नोड है इसको हमें स्टार्ट मानना पड़ेगा। तो else वाले पार्ट में देखिए क्या हो रहा है कि हमने स्टार्ट इज इक्वल टू मिड डॉट नेक्स्ट कर दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च कॉल कर लेंगे 5 से स्टार्ट होने वाली लिंक लिस्ट में। इज दैट क्लियर एवरीवन? Please let me know if this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I move ahead? Yes, sir. Yes, sir. आप कुछ बताएं? आप yes, please बताइए, कोई question है? No, sir. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो middle element find करने की जो algorithm है उसका time कितना लग रहा है? How much time that is taking? Please let me know. Middle element find करने की जो algorithm है, order of n, ठीक है, चाहे आप जिस भी method से middle element find करें, उसका जो effort लगेगा वो order of n लगेगा। Is that clear everyone? तो binary search जो algorithm हमारी है, उसकी complexity कितनी होगी? बताइए। Middle element को find करने की जो complexity है, वो तो order of n हो गई। लेकिन ये binary search की complexity कितनी हो जाएगी? n by 2 कितनी होगी? प्लीज लेट मी नो एनीवन। n log n, सर n log n होगी सर। देखिए n log n, ओके, समबडी इज सेइंग n log n, कैसे n log n? सर ये रिकर्सिव है ना, रिकर्सिव कॉल है इसमें, इसमें रिकर्सिव कॉल है, तो रिकर्सिव कॉल से क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है? बताइए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने अगर आप मान लीजिए कि मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती वो होती अगर लेट से ऑर्डर ऑफ वन, तो हमारी बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती? लॉग एन इनटू ऑर्डर ऑफ वन होती, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है, तो हमें बार बार क्या करना है कि बाइनरी सर्च को कॉल करना है। तो कितनी बार बाइनरी सर्च को कॉल करना है? मैक्सिमम लॉग एन टाइम कॉल करना है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉग एन टाइम आपको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। पहली बार जब आप मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन एफर्ट लगेगा, दूसरी बार करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन बाई टू एफर्ट लगेगा, तीसरी बार करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन बाई फोर एफर्ट लगेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कितनी बार? लॉग एन टाइम। तो आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना होगा, एन प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई टू लॉग एन टाइम्स, ठीक है, इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये होता क्या है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 2n होती है। 2n क्यों मानेंगे इसको? इसको जस्ट सी, एन प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई फोर प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ log n time। अगर आप इसको infinite तक माने, so n plus n by 2 plus n by 4 plus and so on so forth infinite times। तो आपको पता है infinite वाली series का sum क्या होता है? a upon 1 minus r, ठीक है। तो यहाँ पे n upon, इसको n को निकल दीजिए, 1 by 2 है इसका, 1 minus 1 upon 1 by 2, तो ये 2 ये जो है ऊपर चला जाएगा, so this will be 2n, so 2n will be the complexity of this, so 2n into log n, this is the complexity, complexity n log n हो गई। complexity हम expect कर रहे थे log n, लेकिन हमारी जो complexity हो गई वो 2n माने n log n हो गई, तो इसकी complexity अच्छी नहीं है। इसका मतलब linked list पे अगर हम binary search perform करेंगे तो इसकी जो complexity है वो हमारे लिए desirable नहीं है।
क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आ जाती है। अब इसके बाद इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हाउ मच विल बी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चूंकि हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं तो पेंडिंग इसमें कॉल्स रहेंगी, चूंकि इसमें पेंडिंग कॉल्स रहेंगी इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। लॉग एन पेंडिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हमेशा इसमें बने रहेंगे, इसके इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू यू। टू हाउ मेनी ऑफ यू दिस इज क्लियर? Only a few, two hands, three hands, four hands. समझ में तो सबको आना चाहिए।